अब मछली नवरात्रि के पर्व पर आप खाते हो, क्या संदेश देना चाहते हो? आपको जो खाना हो, मछली खाना हो, सुअर खाना हो, कबूतर खाना हो, हाथी खाना हो, घोड़ा खाना हो, सब खाओ। दिखाने की जरूरत क्या? बहनों भाइयों, केवल वोट के चक्कर में तुष्टीकरण की राजनीति से कहते हैं कई खास मजहब के लोग इसके कारण हमसे खुश हो जाएंगे, वोट दे देंगे। लालू जी, मैं कहूंगा ऐसे लोगों को संभालिए। राजनीति केवल वोट लेने के लिए नहीं होनी चाहिए। राजनीति का मतलब होता है, राजनीति अब दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नी। नीति यह संस्कृत के नए धातु से बना, जिसका अर्थ होता है ले जाना, किशोर ले जाना, सन्मार्ग की ओर ले जाना। ऐसा राज जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, ऐसी व्यवस्था, ऐसी नीति, उसे ही हम राजनीति कहेंगे। लेकिन ये राजनीति शब्द जैसे लगता है अपना अर्थ भी खो बैठा, भाव भी खो बैठा। क्या क्या वादे इन लोगों ने किए थे आपसे, आरजेडी और कांग्रेस ने, हमारी यहां सरकार बन जाएगी, 10 लाख लोगों को नौकरी दे दे। मैं बच्चों आपसे पूछना चाहता हूं, आप जितने खड़े हो, एक को नौकरी इन लोगों ने दी है कि नहीं दी है? नहीं दी है तो हाथ उठाकर बताओ, दिया है कि नहीं दिया? बराबर जनता की आंखों में धूल झोंक कर उनका समर्थन इन लोगों ने हासिल करने की कोशिश की है। बहन ये कहते हैं कि हम बड़े पिछड़ों के पक्षधर हैं। मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, सच्चाई है कि पिछड़ों के लोग दुश्मन हैं। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि दुनिया के दूसरे देशों के लोगों ने अभी से अगले वर्ष के लिए हमारे प्रधानमंत्री का समय लेना प्रारंभ कर दिया है, अपने देशों में उनको ससम्मान आमंत्रित करना प्रारंभ कर दिया है। सामान्यतः जब चुनाव होते हैं तो एक अस्थिरता का माहौल होता है, यह संदेश बना रहता है कि पता नहीं उस देश में किसकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मोदी जी का जहां तक सवाल है, उनको अब भी लोग यह मान लिए हैं, चुनाव तो यह औपचारिकता है, मोदी जी को देश की जनता ने अपना पुनः तीसरी बार चुनने का मन बना लिया है, अब सारी दुनिया ने स्वीकार कर लिया है। और बहनों भाइयों, इस सच्चाई को भी आप स्वीकार करेंगे। और मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, तथ्यों से परे यदि हमारी कोई भी बात हो तो आप उसको अखबार के पन्नों पर लिख देना, हमारी गलती होगी तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। लेकिन यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता के आंखों में धूल झोंक कर नहीं राजनीति की है, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। बहनों भाइयों, हमारी एनडीए का चरित्र यह रहा है, जो हम लोगों ने कहा है वो अक्षरशः उसका पालन किया है। हमारे घोषणा पत्रों को उठाकर भी तो कोई देख ले, हमने क्या कहा था, क्या किया है कि नहीं किया, जो कहा था सब किया। हमने धारा 370 समाप्त करने की बात कही थी, चुटकी बजाकर संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलने के साथ ही धारा 370 समाप्त कर दिया। हमने कहा था हम आएंगे तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। लोग ये कहते थे, आप लोग नारा लगाते हो राम लला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बहनों भाइयों, यह आरोप लगाने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं, वह तारीख 22 जनवरी आ गई जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। और बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं एक शुभ संकेत है, नवरात्रि का पर्व चल रहा है और मैं बहुत सोच समझ कर और नाप तौल के यह मैं कहना चाहता हूं, यह शुभ संकेत है। राम लला अपनी कुटिया से निकल के अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य के आगाज को अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और मेरे बहन भाइयों, राम राज्य किसे कहते हैं? राम राज्य वही राज्य होता है जिसमें कि हर व्यक्ति को, राम राज्य उसी राज्य को कहते हैं कि हर व्यक्ति को दायित्व बोध हो, कर्तव्य बोध हो, हमें क्या करना चाहिए इसकी जानकारी, अधिकार बोध से नहीं, हमारा अधिकार क्या है,
कैकेयी ने के अंदर अधिकार बोध था, हमारा यह अधिकार है, हमारा ही बेटा सिंहासन पर बैठना चाहिए। इसी कारण सारा संकट पैदा हुआ था और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास स्वीकार करना पड़ा था। हम उस राम राज्य की बात कर रहे हैं जिसमें कि हर हमारा भारत का नागरिक उसके अंदर यह भाव पैदा हो, हमें भारत माता का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करना है। जिस दिन यह भाव पैदा हो जाएगा भारत में राम राज्य उसी दिन आ जाएगा। बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कहता हूं। अब जैसे हम लोगों ने कहा था कि हम आएंगे तो 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करेंगे। लोग कहते हैं आप लोग मुस्लिम विरोधी हैं। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूं, मैंने जिंदगी में कभी जाति पंथ मजहब की राजनीति नहीं की है। मैंने बराबर यदि राजनीति की है तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति की है। मेरे बहन भाई, मैं मुसलमान भाइयों को बतलाना चाहता हूं, केवल मुसलमान भाइयों को नहीं, जो ईसाई हो उनको भी, जो यहूदी हो उनको भी, जो भी पारसी हो उनको भी, जो भी भारत के नागरिक है, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाली कोई माता हो, बहन हो, बेटी हो, बहनों भाइयों, कोई इसे स्वीकार करे अथवा न करे, हम सब सारे लोग एनडीए के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसको अपनी माता बहन और बेटी ही मानते हैं। भले ही आपको जो मानना हो उसे मानो, लेकिन हम माता बहन और बेटी मानते हैं। किसी भी धर्म को मानने वाली माता बहन और बेटी के साथ जुल्म होगा, अत्याचार होगा, तो सत्ता के लोभ में कोई भले ही उसे माफ कर दे, लेकिन बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी माफ नहीं करने वाली। 3 तलाक कितना जुल्म था मुस्लिम बहनों पर। शादी हुई 10 दिन के बाद खड़े होकर कोई बोल दे तलाक 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 और उसको छुट्टी कर दे, राजनीति जाए भाड़ में, सत्ता के मोह में भले ही कोई से स्वीकार कर ले, लेकिन हम एनडीए के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकते। बहनों भाइयों, इसलिए डंके की चोट पर हमने 3 तलाक की प्रथा को भी समाप्त किया।